यही पानी के एरिया में घुसना चाहते थे, बट यही गए के प्लेयर्स हैं जरूर। एंड वेल एनिग्मा के प्लेयर्स पानी में हैं ऑलरेडी, एक दो प्लेयर्स तो पानी में है, कुछ कुछ प्लेयर्स बाहर की तरफ को हैं। स्काउट एरिया देख रहे हैं, उनको लग रहा है वहां पर शायद हो सकता है बग्गी। यस बिल्कुल, बट अभी भी आप देखें ओएच के प्लेयर, उन्होंने भी बहुत बढ़िया अपना जो स्प्लिट था वो करके रखा हुआ था, दो को उन्होंने ब्रिज के उस पार छोड़ा। तीन प्लस इस घर के अंदर आए हैं जहां पर वो फाइट लेते हैं। दूसरी तरफ टीम एक्सपर्क के लिए दिक्कतें बनती हुई, स्काउट अकेले बचे हुए ओआर वर्सेस टीम एक्सपर्क। वेल ये फाइट काफी अलग हो सकती है, आदित्य को साइड से शॉट्स आएंगे, आदित्य खुद को फिर से पीछे की तरफ लेकर के जाएगा और यहीं पर 7C प्लेयर्स फिनिश करने की शुरुआत। अच्छी कोशिश टीम्स का सफाया करते हुए एनिग्मा अभी बाहर होती हुई। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्लेयर उनका अभी भी वहां पे बचा रहेगा क्योंकि मात्र एक टीम एलिमिनेट हुई है फिलहाल के लिए, हम देखेंगे कौन एलिमिनेट हुई। बट स्काउट अकेले बचे अपनी टीम से, जाने की कोशिश कर रहा है बट मावी, एक बढ़िया ग्रेनेड आया था आदित्य का और इसी के साथ मुझे लगता है आदित्य ने ही वहां पे स्काउट को भी खत्म किया, बट नहीं ईवो का वो ग्रेनेड था। एक्सपार्क यहां पे एलिमिनेट होते हुए 15वें स्थान पे, जीरो फिनिश जीरो प्लेसमेंट। और हमेशा हम इस चीज की बात करते हैं कि अगर आप उस दूसरे पायदान पे हो तो मुश्किलें आपके लिए, दूसरे पेज पे हो तो मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं। डे 3 डे 3